वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए हम पॉइंट्स के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, टू पॉइंट्स ए एंड बी आर इन द एच पी। द पॉइंट्स ए इज 30 mm इन फ्रंट ऑफ द बी पी वाइल बी इज बिहाइंड द बी पी। तो इससे पहले वाले सवाल में हम बनाए हुए थे टू पॉइंट्स को, उसी प्रकार जस्ट सेम सवाल है। तो आगे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर इज 75 mm एंड लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप व्यूज मैक्स एन एंगल ऑफ 45 degree विथ एक्स वाई। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द वी पी। तो हम सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस लाइन ले लेते हैं x एंड y। हम रेफरेंस लाइन को हर वक्त नेमिंग करते हैं x एंड y से। ये हमारा x एंड ये हमारा नेमिंग y। अब सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है उसको लेते हैं। टू पॉइंट्स ए एंड बी आर इन द एच पी। कोई भी पॉइंट्स एच पी पर होता है तो रेफरेंस लाइन पर बनता है। द पॉइंट्स ए इज 30 mm इन फ्रंट ऑफ द बी पी वाइल बी इज बिहाइंड द बी पी। द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर इज 75 mm। तो पहला पॉइंट्स लेते हैं हम लोग ए एंड बी आर इन द एच पी। पहला पॉइंट्स एच पी पर होता है तो रेफरेंस लाइन पर ही बनता है। एच पी पर है तो ए डैश हो जाएगा एंड बी, ए एंड बी आर इन द एच पी, मतलब ए भी एच पी पर है और बी भी एच पी पर है और इसका प्रोजेक्टर दिया होगा, मतलब दूसरा पॉइंट जो ड्रॉ होने वाला होगा वो कितना डिस्टेंस पर ड्रॉ होने वाला होगा वो दिया हुआ 75 mm। प्रोजेक्टर इज 75 mm। तो यहाँ से 75 mm फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट बी जो होगा वो बी डैश यहाँ से 75 mm होगा। तो 75 mm यहाँ से दिखा देते हैं और 75 mm आप लोगों को सभी डायमेंशन को दिखाना है। यहाँ पे 75 mm दिखा दिए हुए हैं। अब हमारा सवाल का यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। द पॉइंट्स ए इज 30 mm इन फ्रंट ऑफ द बी पी। अब जो बोल रहा है एच सी पर था और इन फ्रंट ऑफ द बी पी भी है, वो 30 mm इन फ्रंट ऑफ द बी पी है। इन फ्रंट ऑफ द बी पी वो रेफरेंस लाइन के नीचे आता है। तो यहाँ से 30 mm इन फ्रंट ऑफ द बी पी एक पॉइंट्स ले लेते हैं ए। ए वेल बी इज बिहाइंड द बी पी। कितना बिहाइंड है वो नहीं दिया हुआ है तो हम सिर्फ लाइन ड्रॉ करके छोड़ देते हैं, बाद में पता चलेगा कितना बिहाइंड है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ दिए। हमारा डिस्टेंस, सही डिस्टेंस पता करना है कितना डिस्टेंस पर इसका टॉप व्यूज है। ठीक है, वाइल बिहाइंड द बी पी द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर 75 mm ले चुके हैं एंड लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप व्यूज मैक्स एन एंगल ऑफ 45 degree विथ एक्स वाई। इसका फ्रंट व्यू तो ऑलरेडी ज्वाइंट है, इसका जो टॉप भी ज्वाइंट होगा वो 45 degree विथ एक्स वाई से ज्वाइन होगा, मतलब एक्स वाई से जो ज्वाइन होंगे वो 45 degree से होंगे। इसका टॉप भी जो एक इंक्लाइंड लाइन मतलब एक एंगल से ज्वाइन होगा वो 45 degree, तो एक्स वाई से। तो एक्स यहाँ पर अगर 45 degree पर इस पॉइंट्स को होते हुए अगर यहाँ पर 45 degree बना देते हैं तो हमारा डिस्टेंस पता चल जाता है। तो यहाँ पर 45 degree बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास में ड्राफ्टर रहता है तो हम आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास में ड्राफ्टर नहीं है तो ड्राफ्टर में 45 degree आराम से कस देंगे तो पॉइंट पर रखकर 45 degree का लाइन ड्रॉ 45 degree पर लाइन ड्रॉ कर देंगे वो हमारा डिस्टेंस पता चल जाएगा। लेकिन अगर ड्राफ्टर नहीं हो तो कैसे करेंगे, 45 degree यहाँ पर है तो 45 degree यहाँ भी बनेगा। तो हमारा कोई भी ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा अगर ये लाइन ज्वाइनिंग करेंगे। 45 degree ये एंगल है तो 45 degree ये एंगल है,
तो 45 डिग्री अगर यहाँ बना देते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक 45 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर एक हम प्रोटेक्टर रखेंगे और 45 डिग्री यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 45 डिग्री पर हम मार्क कर दिए हुए हैं और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जहाँ पर इंटरसेक्ट किया हुआ है वही इसका टॉप व्यूज हो जाता है बी। यहाँ पर ये 45 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमने कितना लिया हुआ था सभी को दिखा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने लिया हुआ था 30 mm, जो सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द बीपी। ये जो बी का बी तो एच पी पर है और बी से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है। तो हम लोग फाइंड करेंगे बी डैश बी बराबर क्या होगा, कितना mm होगा। तो आराम से स्केल से माप लेंगे, यहाँ पर कितना mm आया वो हमारा आता है 45 mm। तो यहाँ से 45 mm फाइंड कर लिए हुए हैं। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अगर इस सवाल में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।